Hello, friends. This is Dr. Om um Prakash Kumar, and today we shall learn about hybridization in general and sp3 hybridization in particular. Let us jump into this segment orbital hybridization the process in which atomic orbitals of different energy and orientation may combine to produce an equal number of. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी एंड शेप द फिनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम या डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो सकती हैं या फिर एक जैसी हो सकती हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं पेरेंट ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जितनी तादाद में पेरेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतनी तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है लेकिन उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है क्या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एक थेरी है ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है आंसर इज यस yes. हाइब्रिडाइजेशन एक थेरी है और इसका नॉलेज 100 परसेंट दुरुस्त नहीं हो सकता इंपॉर्टेंस डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसा कि एस पी थ्री एस पी टू एस पी एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी स्क्वेयर एंड एस पी थ्री डी थ्राइस सिंपल हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूल की शेप और नंबर ऑफ बाउंड फाइंड करने के लिए हमें कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना ज़रूरी है कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से है कार्बन का अटामिक नंबर छः होता है तो इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। ग्राउंड स्टेट में 2pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है हेयर इज एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में प्रमोट कर दिया जाता है तो इस तरह से जो चार वैलेंस ऑर्बिटल हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थ्री 1s एंड थ्री पी ऑर्बिटल मिक्स आ सेट ऑफ फोर इक्वल हाइब्रेड ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी एंड शेप इज प्रोड्यूज द फिनन इज एस पी थ्री हाइब्राइजेशन एस पी थ्री हाइब्रडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं या कंबाइन होते हैं एज अ रिजल्ट हमें चार हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है इसे एस पी थ्री का नाम दिया जाता है स्केमेटिकली हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं जब चार वैलेंस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं फोर एस पी थ्री ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी है इंडिविजुअल एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल फोर एस पी थ्री ऑर्बिटल मिले हैं उनमें से अगर हम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेलेक्ट कर लें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से रहेगी जिसमें उसकी दो लोब्स होंगी एक स्मॉल लोब होगी और एक बिगर लोब होगी सम एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन और इन इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का रहेगा ये एक टैटाहीडल शेप है जो जनरेट होती है चार ऑर्बिटल्स के मिलने पर। परसेंट एस एंड पी ऑर्बिटल करेक्टर एस पी थ्री हाइब्रडाइज ऑर्बिटल में परसेंट एस एंड पी ऑर्बिटल करेक्टर कितना होता है तो एस वी नो एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं अगर इसका ओवरऑल परसेंटेज हंडर्ड लिया जाए तो इसमें से एस करेक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट रहेगा और पी करेक्टर सेवेंटी फाइव परसेंट रहेगा एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड शोइंग एस पी थ्री अल्केन और दूसरे बहुत से कंपाउंड एस पी थ्री शो करते हैं लेट टेक एग्जांपल ऑफ ऑफ़ मीथेन। द फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विद वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग अ सेट ऑफ फोर एंड पॉन्ड्स मीथेन में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं और हर एक में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है ये चार हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनते हैं उनकी तादाद चार होती है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एस थ्री एंड फोर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ फोर हाइड्रोजन एटम्स हैविंग वन एस वन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये ऐड करते हैं एसपी थ्री हाइब्रेडाइज ऑर्बिटल के साथ तो सी एच फोर का मॉलिक्यूल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब हाइड्रोजन का वन एस ऑर्बिटल और एस थ्री कार्बन ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं या मिलते हैं तो उनके मिलने से हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है या ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं इन सी एच फोर दे आर आर फोर सिग्मा बॉन्ड विच आर इक्वल इन लेंथ अराउंड कार्बन विद आ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री चार बॉन्ड हमें मिले हैं इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर रहेगी और इनमें इंडिविजुअली बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का रहता है ओवरऑल मीथेन की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है टेट्राहेड्रल का मतलब है फोर कॉर्नर बेयरिंग या चार हेड रखने वाली अदर एग्जांपल इथेन ये भी एक अल्केन है फोर एस पी थ्री हाइड्रोडाइज्ड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास रहते हैं और आपस में इस तरह से कंबाइन करते हैं और साथ साथ जो हर एक इंडिविजुअल कार्बन के पास तीन ऑर्बिटल रहते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बांड बनाते हैं तो इस तरह से हमें टोटल सेवन कोवलेंट बांड मिलते हैं इथेन सेवन कोवलेंट बाड बनाता है और इसकी शेप भी टेट्राहीडल ही रहेगी इथेन में दो तो तरह के सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं एस एस पी थ्री सिग्मा बॉन्ड और दूसरा एस पी थ्री एस पी थ्री सिग्मा बॉन्ड ईच कार्बन ओवरलैप्स विद अदर कार्बन एटम थ्रू लोब्स टूमे का एसपी थ्री एसपी थ्री सिग्मा बॉन्ड हर एस पी थ्री कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे जो बॉन्ड बनता है एसपी थ्री एसपी थ्री सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन के एटम अगर आपस में बॉन्ड बनाए वो एस पी थ्री एसपी थ्री होगा और यहां परिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन मेक एसपी थ्री एस सिग्मा बॉन्ड्स बाई ओवरलैपिंग विद एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन इथेन के मॉलिक्यूल में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के साथ बनाने में इन्वॉल्व है जबकि हर कार्बन के पास थ्री इंडिविजुअल हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो तीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं इन अल्केन रोटेशन अराउंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट चेंज द शेप और ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रोटेशन से बॉन्ड या मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता अगर इथेन मालिक्यूल पर इस तरह की कंडीशन अप्लाई कर दी जाए कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करना शुरू कर दे तो ऑर्बिटल की शेप चेंज हो सकती है और मॉलिक्यूल की शेप भी चेंज हो सकती है